आज हम अपने गाड़ी को सर्विसिंग में दे दिए हैं। ये लोकल में ही हम सर्विसिंग कराएं, क्योंकि अगर हम इनके शोरूम पे ले जाते तो बहुत लेट हो जाता। इनका जो है स्पीड मीटर काम करना बंद कर दिया था, और सेल्फ ये लगा है नया, और बाकी फुल सर्विसिंग हुआ है इनका। अभी लगभग 1:30 बज रहा है और अभी हम निकल रहे हैं सहरसा के लिए कंप्लेन पर। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी का जो है स्पीड मीटर सेल्फ वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो सर्विसिंग में हम दे दिए थे। सर्विसिंग में 2.5 घंटा करीब लगा, मोबिल वोबिल चेंज किया और इसके चक्का और का ग्रीसिंग किया, तो सर्विसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं सहरसा। सहरसा में है कंप्लेन, 2-3 कंप्लेन है, फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन का है, एसी का है, तो वहाँ जाकर हम पहुँचते हैं पहले सहरसा, और तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंप्लेन हमको अटेंड करना है पहले। तो पहले अभी हम सहरसा पहुँचेंगे। सहरसा हम पहुंच गए हैं, और ये सहरसा के महावीर मंदिर के पास है, महावीर चौक पर। यहाँ से हमको कृष्णा नगर जाना है। वहाँ पे एसी आज से 15 दिन पहले लगा और वो कूलिंग नहीं कर रहा है, तो जाकर वही देखना होगा कि क्या दिक्कत है उसमें। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। अट्ठाईस पे चलाते हैं, कम पर बहुत कम चलाते हैं। अच्छा, ठंडा हो जाता है ना, अधिक कर 1500 पर चलाते हैं, नीटों उठने का डर। ये ठंडा कब से नहीं कर रहा है? जब से लगाया तब से है? नहीं, यही होता है दो दिन। संडे को तो ठीक है था। अच्छा, परसों ठीक था। यही वो एसी है, और कस्टमर से हम जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 28 पे चलाते हैं तो कूलिंग नहीं करता है। तो हम समझ गए मीटर क्या है। अब अपने तरीके से हम एसी को फिर चला के हम देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इनमें गैस भी ठीक है, एसी चल भी रहा है ठीक से, रिटर्न भी सही आ रहा है। एसी से पानी भी फुल स्पीड में गिर रहा है। जो हम एसी चेक कर लिए, दिक्कत कुछ नहीं था, एसी ठीक है। इसमें जो ये 28 पर चला रहे थे जिसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा था। अभी वैसे भी बारिश का टाइम है और टेम्परेचर डाउन है, तो 28 पर कूलिंग तो करेगा नहीं। तो हम समझा दिए, तो कस्टमर जो समझ गए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरे कंप्लेन पर। अभी कृष्णा नगर से हम आ गए हैं तिवारी टोला। यहाँ पे अमर ज्योति प्रिंटर्स करके एक शॉप है जिसमें एसी जो है कूलिंग नहीं कर रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो उसमें कुछ दिन की कुछ महीने पहले उसमें एक कंडेंसर लगा था आउटडोर में, और कंडेंसर लगने के बाद जो है फिर लगभग वही 20-25 दिन बाद जो है कूलिंग करना बंद कर दिया। वही जाके देखेंगे अभी क्या दिक्कत हुआ उसमें। अमर ज्योति प्रिंटर्स में हम पहुंच गए हैं, और ये प्रिंटर मशीन है, और एसी जो है यहाँ लगा हुआ है। इस मॉडल में फ्लैप जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, पुराना मॉडल है। तो इंडोर चला दिए हैं, बाहर जाके देखते हैं बाहर का आउटडोर का कंडीशन। आउटडोर जो यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ पे हमको जाना होगा सीढ़ी लगा के।
इनका रिटर्न जो है रिटर्न बिल्कुल ही नहीं है। एम्पियर जो ये 3.85 लेकर चल रहा है, और इनका बैक प्रेशर 50 चल रहा है, 410 नंबर गैस है इसमें, बैक प्रेशर 50 चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम एसी जो है चेक कर लिए, और इसमें वही गैस लीकेज वाला दिक्कत है, और गैस जो निकला है तो वो तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें प्रेशर होल्ड होगा, उनके बाद जो है जा करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा कि कहाँ से लीकेज और लीकेज रिपेयर होकर के गैस डलाएगा। तो अभी हम वहाँ से चले आए हैं बढ़िया ही के पास ही एक फ्रिज है जिसको हमको चेक करना है, वो फ्रिज जो है ऑन नहीं हो रहा है, अंदर बल्ब जल रहा है, कह रहा है कि कूलिंग ही नहीं कर रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा होगा। कस्टमर से जब हम बात किए तो वो बोले कि बढ़िया ही आइए, और जब हम बढ़िया ही आए फिर फोन किए तो कह रहे हैं कि बढ़िया ही से थोड़ा दूर है, देवना गाँव है, वहाँ आइए। थोड़ा थोड़ा करते हम 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ गए, और अभी 1 किलोमीटर और बचा है देवना गाँव, पहुँचते हैं पहले गांव और फिर फोन लगाते हैं उनको और कहाँ एड्रेस उनका पता करते हैं। हम देवना गांव भी पहुँच गए, अब वहाँ पहुँच के फोन किए तो वो फिर कह रहे हैं कि देवना गांव से साइड से रोड गया है, एक मुरली भरना चले आइए, और ये 1.5-2 किलोमीटर आगे आ गए हैं, ये देवना गांव से भी 1.5-2 किलोमीटर आगे, और सामने मुरली भरना गांव है। अब शायद इसी में है कस्टमर का घर, अब इससे आगे नहीं होना चाहिए, तो पहुंचते हैं पहले कस्टमर के यहाँ। कस्टमर के यहाँ आखिरकार पहुंच गए, और यही वो फ्रिज है, ये 1-स्टार फ्रिज है, बिल निकल है, अगर फ्रिज के बिल से पूछी तो 1-स्टार फ्रिज है, 2022 मॉडल आता है। कंप्रेसर जो है चल रहा है, ठीक है, कंप्रेसर चल रहा है, ये जॉइंट के पास से हमको थोड़ा सा गीलापन लग रहा है, यहाँ जो हमने फ्रिज चेक कर लिया, इनका क्या है कि फ्रिज का गैस लीकेज हो गया है, और वो लीकेज हमको लग रहा था कि वो कंडेंसर के पास से, लेकिन वो केमिकल था, वो लीकेज वाला वो ऑयल नहीं था, वो केमिकल था। तो इनका जो लीकेज होता है तो इंटरनल ही होता है, एलजी में जो इवापोरेटर भी है चेंज होता है, तब वो ही चेंज होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इनके पास बिल अवेलेबल है नहीं, तो ये कह रहे हैं कि मेरा वारंटी में और बिल है नहीं इनके पास, तो हम बोले कि पहले बिल अवेलेबल कराइए, उनके बाद ये काम होगा आपका, अगर बिल होगा वारंटी में होगा तो फिर ऑफ कोर्स चेंज होगा, नहीं तो फिर चार्जेबल होगा। तो अब कल या परसों इनका जो है लगेगा, वैसे अवेलेबल है पार्ट, अब बिल इन ये जब हमको अवेलेबल करा दे इनका काम जो है हो जाएगा। तो अभी हम निकल चुके हैं कस्टमर के घर से, और अब हम अपने घर जा रहे हैं सुपौल, और यही नदी के साइड से निकलते जा रहे हैं। तो अभी उतना शाम भी नहीं, शाम हो गया है, तो पहुंचते रात तो हो ही जाएगा, अंधेरा हो ही जाएगा, तो पहुंचते हैं हम अपने घर। आज के लिए बस इस ब्लॉग को यहीं तक समाप्त करेंगे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेंट पर।